नमस्ते किसान भाइयों, मैं नीरज शर्मा स्वास्तिक फार्मिंग आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपसे बात करना चाहते हैं पपीते की उन्नत किस्म के बारे में, खेती को कैसे करना है, पूरी टर्मिनोलॉजी को समझें यानी क्रिया विधि को समझें कैसे खेती करना है जिससे आपका जो होने वाला नुकसान है वो ना हो और आपका फायदा इसे फायदा यानी उत्पादन आपका बढ़े। तो आज हम बात करेंगे पपीते की उन्नत किस्म जो कि पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा लगाई जाती है और जो हमारे मार्केट में जो आढ़ती हैं वो भी ज्यादातर उसी वैरायटी का डिमांड करते हैं। तो उस वैरायटी का नाम है रेड लेडी 786F1। इस वैरायटी की जो मुख्यतः जो खासियत है कि इस वैरायटी में नर प्लांट नहीं निकलते हैं और दूसरा इसके फल की जो कीपिंग क्वालिटी है वो ज्यादा है अन्य किस्मों की अपेक्षा। दूसरा ये वैरायटी उभयलिंगी है, जितने भी हम पौध लगाते हैं अपने खेत के अंदर और सभी सभी में अमूमन फल का उत्पादन होता है। चलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें क्योंकि ये वीडियो पूरे भारत में जाना चाहिए जिससे जो किसानों का जो नुकसान होने वाला है यानी प्लांट्स की वजह से वो ना हो और ज्यादा से ज्यादा किसानों का उत्पादन हो। तो ठीक है किसान भाइयों, अब हम आपको पूरा जो इसकी क्रिया विधि है वो समझाते हैं। पूरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। आज किसान भाई मैं आपको पपीते की क्रिया विधि के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन सी उन्नत किस्म पपीते की लगानी चाहिए, कहाँ कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या उसका पूरी विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। पपीते की खेती करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो वैरायटी की हम बात माने हैं तो वैरायटी इस समय जो पूरे भारत में यानी कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक रेड लेडी 786 जो कि नॉन ऑफिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वैरायटी है, आजकल वैरायटी सबसे ज्यादा लगाई जा रही है। लगाने का मुख्य कारण है कि जो हमारे जो दूर दराज मंडी है या कोई नजदीक मंडी है वहां पर लोग ज्यादातर मंडी में जो आढ़ती बैठे हुए हैं वो लोग रेड लेडी 786 टाइवान पपीता की डिमांड करते हैं। इस डिमांड के पीछे जो मुख्य कारण है इसकी कीपिंग क्वालिटी यानी कि रखरखाव, दूसरा इसके फल की मिठास और इसके कलर के कारण है। हमारे पूरे भारत में कुछ किसान सोचते हैं कि भाई रेड लेडी 786 में वायरस आता है, लेकिन ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जिसमें वायरस ना आता हो क्योंकि हमने खुद ये अनुभव से पाया है। वायरस आने के क्या क्या कारण है, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, फ्लावरिंग ड्रॉप कैसे रुकेगी, फ्लावर सेट कैसे होगा, वही हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को हम अवगत कराना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इस वीडियो को अगर कोई समझ में नहीं है तो आप इसे आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पपीते खेती कहाँ नहीं करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए। पपीते की खेती को करने से पहले आपको सॉइल सिलेक्शन करना है यानी कि पपीते की जो खेती के लिए पपाया फार्मिंग के लिए सॉइल का जो पीएच लेवल है 6.5 से 8 होना चाहिए। वाटर पानी यानी पानी जहां पे खारा हो या नमकीन पानी वहां पर पपीते खेती नहीं करनी चाहिए। 650 से लेकर 1200 TDS तक आप खेती कर सकते हो। जब आप पपीते का प्लांटेशन कर रहे हो उस समय टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री से ज्यादा ना हो, जिससे में सोयल का पीएच लेवल 6.5 से 8 का होना चाहिए। वाटर का जो टीडीएस है 650 से 1200 टीडीएस होना चाहिए। टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री होना चाहिए। जब बरसात हो उस समय पपाया का प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। जहां पर जल भराव की समस्या हो वहां पर पपीते की खेती ना करें। कभी कभी होता क्या है कि हम पपीता लगा लेते हैं उस समय बरसात नहीं होती, लेकिन जब पपीता फ्लावरिंग या फ्रूटिंग पे आता है तो पपीता फिर खराब हो जाता है जिससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
एक जो चिकनी सॉइल होती है, जो मुख्यतः आपके उत्तर भारत में पाई जाती है, चिकनी मिट्टी में भी पपीते की खेती ना करें। चिकनी मिट्टी में पपीते की खेती ना करें, क्योंकि तो नर्सरी वाले आपको ये बात नहीं बताएंगे कि कहां पर खेती कर लीजिए कहां नहीं कर लीजिए। खुद से आपको जज करना है कि हमारी खेत में जो मिट्टी है वो चिकनी नहीं होनी चाहिए, पानी हमारा खारा नहीं होना चाहिए, जल भरा वाली हमारी जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल भी ठीक है तो जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो आप उसमें ना खेत को कंप्यूटर माध्यम के माध्यम से उसे आप तिरछा कर लें। तिरछा करने से क्या होगा कि पानी रेनी सीजन में आएगा और वो निकल के चला जाएगा। अगर खराब होगा तो एक कोने का पपीता खराब होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब आपका पानी अच्छा है, सॉइल अच्छी है, बात आती है कि पपीते खेती हम कब कब करना चाहिए। हमें तब करना चाहिए जब हमारा टेम्परेचर 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो, यानी पपीता का प्लांटेशन करने के लिए उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में फरवरी से लेकर के मार्च या ज्यादा से ज्यादा अगर जाना है तो आपको अप्रैल मिड में। यदि अप्रैल में भी प्लांटेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए यदि आप अप्रैल में प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो अगर आपको अप्रैल में प्लांटेशन करना है तो गर्मी से बचाने के लिए आपको नॉन-वूवन क्रॉप कवर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लांट है आपका, इसके चारों तरफ बांस की 3 लकड़ी लगाओ और इसका नॉन-वूवन क्रॉप कवर इसको पहना दो, जो गर्मी के मौसम में जो लू चलती है उससे पौधा आपका बच जाएगा। लेकिन मिड अप्रैल तक आपको लगाना, उसके बाद नहीं लगाना। यदि मिड अप्रैल के बाद लगाते हैं तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं पकड़ेगा, ग्रोथ पकड़ेगा तो जड़ गलन तना गलन समस्या आपको लगी रहेगी। और एक जो दूसरा सीजन है नॉर्थ भारत में, सितंबर-अक्टूबर, यहां पर भी आपको अगर जाना है हद से ज्यादा तो नवंबर मिड, वो भी नॉन-वूवन क्रॉप कवर के साथ। गर्मी में जो क्रॉप कवर हमें यूज करना है वो 17 GSM का यूज करना है, और जो ठंड में जो यूज करना है वो 20 GSM का यूज करना है। तरीका भाई, बांस की स्टिक आपको लगानी है और उनको नॉन-वूवन क्रॉप कवर को आपको चढ़ाना है। जितना प्लांट हाइट है उतना नॉन-वूवन का क्रॉप कवर आपको यूज करना है। अभी मैंने आपको बताया कि कब कब लगाना चाहिए, वो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद वैरायटी जो भारत में पूरे में जो लग रही है वो है रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड पपाया। रेडी 786 क्यों लगा रहे हैं, पहला जो कारण है कीपिंग क्वालिटी। कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि 15-20 दिन तक इसके फल पर फंगस नहीं आती है। 15 से लेकर के 25 दिन तक फल का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ना इस पर निशान आते हैं। दूसरा है फल का टेस्ट इसका मीठा है, टेस्ट में मीठा है। तीसरा है इसका कलर अंदर से ये भगवा सिंदूरी।
कीपिंग क्वालिटी अच्छी है इसकी, टेस्ट में स्वीट है, मीठा है, कलर में ये भगवा सिंदूरी निकलता है। इस फल में एक विशेषता यह है कि जब हम इसकी प्लांटेशन करते हैं तो 1.5 फीट की हाइट से ही पौधे पर फल लगना स्टार्ट हो जाता है। 1.5 फीट की, 1.5 फीट की हाइट से ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेड यूनिटी 786 में 95% मादा पौधे, 5% इसमें उभयलिंगी। ये F1 की खासियत है, ये जो पौध F2 होगी उसमें नर प्लांट निकलेंगे, नर पौधा निकलेंगे। इसीलिए हम F1 लगाते हैं। F1 में क्या होता है, यदि कोई फार्मर 1000 पौधे लगाता है तो 1000 के 1000 से उसको प्रोडक्शन 100% मिलता है, 100% प्रोडक्शन मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। इसीलिए इस वैरायटी का चयन हम लोग मुख्यतः करते हैं। नर्सरी कहां से लें? नर्सरी लेने के लिए जो भी आपके कोई नजदीकी नर्सरी हो, जहां आपको पूर्णतः विश्वास हो, जो आपको बिल वगैरह बनाकर दे और जिसके पास सीड का ऑथेंटिकेशन हो, जैसे अभी आपको दिखाया है 987 AC की पहचान के लिए ये जो बार कोड है, आप इसे कॉइन के माध्यम से इसे स्क्रैच करो। स्क्रैच करने के बाद आपके पास फोन पे गूगल पे का जो स्कैनर है उसी से स्कैन कर लें तो बता देगा जेन्युइन है या नकली है, असली है। अगर आप सीड लेना चाहें, और सीड लेने के लिए अगर आपको कोई सीड को कैसे उगाना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं पपीते खेती हमको करनी कैसे है। आपको वैरायटी का पता चल गया, आपको सॉइल का पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, कहां कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो नर्सरियां हैं वो पपीते को बेचने की होड़ में ना, पपीते बहुत ज्यादा किसानों को दे देते हैं, जिससे क्या है बहुत सारा उनको नुकसान होता है। पपीते में सबसे ज्यादा जो प्रिकॉशंस आपको लेके चलनी है, पहली जल जमाव नहीं हो, जल जमाव ना हो। दूसरा है खरपतवार भी ना हो। यदि जल जमाव होगा फसल लॉस होगी, खरपतवार होगा तो फसल लॉस होगी। तीसरा समय पर पानी, अगर समय पर पानी नहीं है फिर भी लॉस। चौथा है समय पर खाद, अगर समय पर खाद नहीं देंगे तो फिर भी लॉस। लॉस का मतलब फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप, एंथ्रेकनोज, फंगल इन्फेक्शन, जड़ गलन, तना गलन, ये सारी चीजें आएंगी। जल भराव वाली जमीन ना होनी चाहिए उसमें। खरपतवार के लिए आपको जो उसका जो मेजरमेंट है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं आगे बताता हूं। पानी मॉइस्चर रहना चाहिए, समय पर खाद पानी, क्योंकि पपीता एक तरीके का एक ऐसा पौधा है जिससे कंटिन्यूसली यानी लगातार उसको ग्रोथ चाहिए। आपने देखा होगा जिन किसान भाई ने पपीता लगाया है कभी कभी पीले पत्ते होकर गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि वहां पर या तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी या पानी की कमी होगी या इंसेक्ट का प्रॉब्लम होगा या पूरी तरीके से खाद नहीं दिया जाना उसको। तो इसीलिए पपीते के खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पपीते खेत को मतलब किस तरीके से खेत तैयार करना है। पपीता का जो फार्मिंग है वो बेड पे होगी, तो अब इसीलिए हम बोलेंगे बेड प्रिपरेशन, बेड प्रिपरेशन। पपीते कभी भी प्लेन खेत में ना लगाएं, तो बेड पर बनाने के लिए आपको
बेड बनाने वाले का जो उपकरण हो, कहीं पे आलू लगाते हैं या कोई टमाटर करते हैं तो, या गन्ना की दुबाई करते हैं, उससे आप बना सकते हैं, या फावड़े के माध्यम से बना सकते हैं, या माझे के माध्यम से बना सकते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं। तो बेड प्रिपरेशन के लिए बेड की जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई 1.5 फीट, और 1.5 फीट ही ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट 1.5 फीट ऊंचाई। इससे करने से क्या होगा कि यदि भविष्य में अगर पानी भर जाता है, बरसात ज्यादा हो जाती है, तो तने तक पानी नहीं पहुंचेगा। 1.5 फीट ऊंचाई और चौड़ाई और 1.5 फीट ऊंचाई होना चाहिए। बेड बनाने से पहले खेत की अच्छी तरीके से 4-5 बार गहरी जुताई करें, और कम से कम 5 ट्रोली खाद, 5 ट्रोली गोबर की खाद, गोबर की सड़ी खाद, कच्ची नहीं होनी चाहिए, सड़ी खाद। यदि आपके पास खाद अवेलेबल नहीं है, 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट प्लांटेशन करते समय। यदि आपके पास गोबर की खाद है तो डाल करके पूरी तरीके से सुखा लें, और सुखाने के बाद आपको 2 बैग यानी कि 2×50 100 kg DAP पोटास 1 बैग 50 kg SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग 100 kg माइक्रोन्यूट्रंस 10 kg मैग्नीशियम सल्फेट 25 kg फ्यूराडोन, जिससे कि इंसेक्ट खराब ना करें, फ्यूराडोन 2 kg ले लो। DAP लेना है, पोटास लेना है, SSP लेना, नाइट्रोजन लेना। इसको सबको बिखेर करके खेत की जुताई करें। जुताई करने के बाद आपको 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट ऊंचा बेड बनाए। मार्किंग करने के बाद आपने ये सारा मटेरियल मिक्स करके, ये पूरा मटेरियल आपको मिक्स करके खेत में बखेरना है, और बखेरने के बाद उसमें मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद आपको बेड बनाने हैं। यदि ड्रिप इरिगेशन है तो आपको ड्रिप चला देनी है, अगर ड्रिप नहीं है, फ्लड है, तो फ्लड में क्या है, आपको पानी छोड़ देना है, पानी छोड़ देना है। और पानी छोड़ने के बाद जहां आपने पौध बुक करी है, उस पौध को 7 दिन पहले, 7 दिन पहले बुलवा लें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पौध है, पपीता की जो नर्सरी है, पपाया प्लांट्स, ओपन फील्ड में पैदा नहीं होता है। पपाया प्लांट की जो नर्सरी है, ओपन एरिया में तैयार नहीं होती है, ओपन एरिया में नहीं होती तैयार, ये शेड नेट में होती है, शेड नेट यानी कि ग्रीन शेड नेट, ग्रीन शेड नेट। वो 75% वाला भी हो सकता है, 50% वाला भी हो सकता है। तो 75% का मतलब क्या है कि 75% धूप रुक गई, 75% धूप रुकी हुई है। तो इसीलिए 7 दिन पहले पौध को मंगवाकर ऐसी जगह रखो जहां पे हवा आती जाती हो, किसी गोदाम में नहीं रखनी, किसी कमरे के अंदर नहीं रखनी, किसी पेड़ की छांव में रख सकते हो, जीने भर का पानी मार करो। जिस दिन प्लांटेशन करना है, उस दिन आप, जब आपका मॉइस्चर मेंटेन हो गया, खेत के अंदर से गर्मी निकल गई। दूसरा एक मैं ये बताना भूल गया, बेड बनाने के बाद आपको पानी लगाना है, पानी के बाद आपको पेंटामेथिलिन,
ये प्री हर्बिसाइड है 750 ml पर एकड़ का स्प्रे करें। इससे क्या होगा, ये कम से कम 40 दिन तक खरपतवार को उगने नहीं देगा, उगने नहीं देगा। तब तक आपकी 40 दिन में पौध रेडी हो जाएगी और न्यूट्रन मिलना स्टार्ट कर देगी। पेंटामेथ्रिन का स्प्रे जरूर करें। जब पौध आपकी हार्डनिंग हो गई है और पैर रखने लायक जमीन हो गई है तो पौध को बेड के बीचों बीच, यानी कि अभी इसमें आपका मार्किंग रह गया है, सपोज करें ये आपका जमीन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नर्सरी वाले जो है आपको रिकमेंड करेंगे 5x5, 6x5, 7x5, लेकिन हम आपको 8x5 की रिकमेंड करेंगे, चाहे ओपन में है चाहे फील्ड ड्रिप है। अगर आप एक एकड़ दो एकड़ कर रहे हैं तो 8x5 में लगाएं, यदि आप एक एकड़ दो एकड़ से ज्यादा जा रहे हैं ओपन में है यदि जमीन तो 10x5। 10x5 का मतलब ये है कि जो बीच में जगह है, लाइन से लाइन के बीच में जो जगह है वहां आप ट्रैक्टर से खरपतवार निकाल सकते हो फ्लावरिंग तक। यदि आप एक एकड़ कर रहे हैं तो एक एकड़ किसान आप खुद से ही मेंटेन कर लेता है, तो ये वाली दूरी ना रखे आपको, या तो ये ज्यादा करे तो ये करना चाहिए, कम करे तो ये करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे बेड बन गए, बेड बनने के बाद सपोज करिए ये बेड बने हुए हैं आपके, इसमें क्या करना है आपको 5x5 फीट पे मार्किंग, 5x5 फीट पे मार्किंग कर लो, एक लाइन को छोड़ दो, फिर वहां पर नाप करके मैट से यहां से नापाई कर लो जिससे कि एक सारा है 5 फीट 5 फीट 5 फीट, फिर एक लाइन छोड़ दो 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 फीट। ना तो पौधे को टेढ़ा लगाना है ना कीचड़ बना के लगाना है, वो सब कहने वाली बातें हैं। अब उसके बाद आपको जो पौधा जो यहां पे लकड़ी गाड़ते चलो, यहां पे लकड़ी यहां पे गाड़ते चलो जिससे कि आपको अंदाजा रहे कि यहां पे पौधा लगाना है। दूसरा जो पौधा रखना है इसके बीच में रखना है, यहां इसी तरीके से यहां यहां। अब क्या है, पौधे को जगह ज्यादा मिलेगी फैलने के लिए, यानी कि अगर 8x5 में लगाते हैं 40 स्क्वायर फीट जमीन उसको मिलेगी पौधे को, जिससे उससे क्या होगा पत्ता फैलेगा और जहां तक पत्ता फैलेगा वहां से वो न्यूट्रन उठाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, इस प्लांटेशन मेथड को बोलते हैं जिगजैग। इस जिगजैग मेथड से ही पपीता लगाना चाहिए। अगर पपीते में आपको इंटरक्रॉपिंग करनी है तो वो इंटरक्रॉपिंग आपको पपीते के अंदर करनी है जिससे कि खरपतवार पैदा ना हो। आप इसमें हल्दी लगा सकते हैं, जिंजर लगा सकते हैं और इसके अलावा कोई फसल न लगाए। आपको लगाने का तरीका पता चल गया कैसे कैसे लगाना है। अब बात आती है पपीते के फर्टिलाइजर के बारे में जिससे पपीता कंटिन्यू लगातार ग्रोथ करेगा। पपाया फर्टिलाइजर, पपाया फर्टिलाइजर ये अहम होता है। तो पपीते की खेती में 5 स्टेज आती है, 5। पहला आता है पपीते को रूट रिच करना है, रूट रिच। सबसे पहले पपीते की रूट्स बढ़ानी है। रूट्स के बाद सेकेंड स्टेप जो आता है स्टेम रिच, पपीते के तने को, यहां हिंदी में लिख दूं जड़ और तना। कहते हैं जितनी ज्यादा जड़े होंगी उतने ज्यादा मटेरियल उठाएगा और जितना मोटा तना हो उतना ज्यादा माल आएगा। तीसरा फ्लावर सेट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फूल आने चाहिए। चौथा है फ्रूट सेटिंग, यानी फल को सेट करना। पांचवा आता है
राइपनिंग यानी कि पकाना। पहला जो आता है रूट रिच जड़ बढ़ानी है, स्टेम रिच तना करना है, फ्लावर रिच फ्लावर सेट करना है, फूल फ्रूट सेटिंग करनी है, फल फल को सेट करना है, राइपनिंग पकाना है। अब इसमें जो हमने ये चार पांच जो आपको बताया है इसमें जो मुख्यतः जो सबसे ज्यादा पपीते में पपीता है किस तरीके से फल को मान के चलेंगे इसके अंदर अगर हम काटेंगे तो एक एक चीज का बता सकते हैं। हर फसल में एनपीके का यूज होता है यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश, इसीलिए पपीते में भी एनपीके का विशेष अहम योगदान है। यानी कि पपीता पूरी हार्वेस्ट टाइम तक जो नाइट्रोजन लेता है वो 200 ग्राम लेता है और फास्फोरस जो लेता है वो 200 ग्राम लेता है, पोटास के 25 ये आपका 500 ग्राम लेता है। नाइट्रोजन का पोटास का फास्फोरस का बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। फिर इसके बाद आपका आता है पपीते में कैल्शियम, कैल्शियम का विशेष रोल है इसमें। कैल्शियम के बाद आता है बोरोन, कैल्शियम और बोरोन हमेशा एक साथ लगाएंगे। फिर इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और आती है आपकी सल्फर। सल्फर जब भी यूज करना है 90 WBG आपको यूज करनी है। इसके अलावा आता है आपका और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सारे पपीते के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ जिससे हम नाइट्रोजन ज्यादा लेते हैं डीएपी का यूज पपीते के अंदर होगा, पोटास का यूज होगा अंदर, और 12-32-16, 10-26-26 ये सब अलग अलग स्टेज पे आपको देना है। और एनपीके 19-19 मत देके चलना, 12-0 एनपीके 0-0, 52-34 एनपीके 0-0, 50 आखिर में ये आपको देके चलना है। डीएपी का यूज होगा, पोटास का यूज होगा, ये सारे जो भी प्रोडक्ट है वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल। डीएपी पोटास ये आपको बेसल डोज देनी है, बेसल डोज ये 12-32-16, 10-26-26 एनपीके 12-0-0-0-52-34-0-0-50 ये सारे आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो, ड्रिंचिंग के माध्यम दे सकते हो। अब किसान भाई का यहां क्वेश्चन होगा कि ये ड्रिंचिंग और बेसल डोज होती क्या है। एक होता है बेसल डोज, बेसल डोज, एक होता है आपका ड्रिंचिंग, ड्रिंचिंग, और ड्रिंचिंग के बाद एक आता है फॉइलर स्प्रे, फॉइलर स्प्रे। बेसल डोज क्या होता है, सपोज करिए आपका पौधा 1.5 फीट हाइट है और उसके पत्ते यहां तक आ रहे हैं, तो आपने जो बेसल डोज देनी है पौधे की यहां देनी है बगल में साइड में जहां पत्ते का एंड हो रहा है, लीफ का जो एंड है यहां आपको बेसल डोज देनी है। ड्रिंचिंग का क्या होता है, आप जब भी खेती कर रहे हो पपीते की तो आपको 200 लीटर का बैरल ले लो, 200 लीटर का बैरल आपने उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें आपने कोई भी मटेरियल डाला, सपोज करो आपने एनपीके 19-19 डाला, 12-0 डाला। डालने के बाद ये आपका पेड़ है तो ये आपको जड़ों में डालना है,
वहां जब आपने बेड प्रिपरेशन किया था वहां पर बेड जो बनाना है आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, वो आपको आयताकार बनाना है। आयताकार से जो भी मटेरियल डालेंगे तो अंदर जाएगा, ऐसे करके वो बह जाएगा। अभी आपने माउंटेड वो आयताकार बनाया तो आपने जो ड्रिंचिंग किया तो ड्रिंचिंग से माल हमने जो डाला जो फर्टिलाइजर डाला वो वाटर सोल्युबल आराम से जड़ काम करेगा। वो फॉयलर स्प्रे होता है, जब भी आप पंप से स्प्रे करें तो पत्ते के नीचे और ये पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से धुलाई करना चाहिए, यानी जब भी कोई फंगीसाइड वगैरह यूज कर रहे हैं। बाद में आता है इसका जो सब बीमारियां आती है, बीमारी पपीते में जो बीमारी आती है, एक तो आती है आपकी लीफ कर्न। लीफ कर्न मतलब पत्ता आपका इनवर्ट की तरफ मुड़ता है या, और ये ऊपर से स्टार्ट होता है, टॉप से स्टार्ट होता है लीफ कर्न। एक आता है आपका रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट में क्या फल पे भी धब्बे आते हैं और जो गांठे सी हो जाती है पत्तों पर, वो रिंग स्पॉट हो गया। एक आता है येलो वेन मोजेक, येलो वेन मोजेक हो गया। एक हो गया आपका रूट रॉट, दूसरा आ गया आपका और कॉलर रॉट। कॉलर और रूट रॉट तब आएगा जब पानी की अनियमितता होगी, पानी गलत तरीके से लगेगा तब कॉलर और रूट रॉट आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमने खेत में नमी नहीं है और अचानक हमने पानी दिया यानी क्रैक्स आ गए तब कॉलर और रूट रॉट आएगा। येलो वेन मोजेक, लीफ कर, रिंग स्पॉट तब आएगा जब खेत के अंदर गंदगी होगी या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी। इसीलिए कंटिन्यूअस आपको फर्टिलाइजेशन शेड्यूल को मेंटेन करके रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अभी किसान भाई बीमारी के बारे में आपको समझ में आ गया। फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप, ये भी बहुत अहम प्रॉब्लम है। फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप, अब हम आपको बताएंगे फ्लावर ड्रॉप फ्रूट ड्रॉप क्यों होता है, फ्रूट सेटिंग कैसे नहीं हो पाती है। कभी कभी देखते हैं एक पेड़ पर चार फल लगे हुए हैं, किसी में ज्यादा लगे हुए हैं, तो ये जो भी प्रॉब्लम आती है ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से आती है, इंसेक्ट की वजह से आती है। तो उसमें क्या है, आपको फ्लावर ड्रॉप करने के बाद आपको करना क्या है कि जब फ्लावर ड्रॉप होता है तो होता है कि पौधा हाइट ले रहा है, पौधा आपका हाइट को उसको मेंटेन करना है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ने देनी है, लेकिन नाइट्रोजन कम से कम देना है जिससे कि आपका तना मोटा रहे, जिससे फ्लावर ड्रॉप नहीं हुआ। फ्लावर ड्रॉप से पहले आप कोई भी इल्ली मारने वाली दवाई नहीं मारेंगे। दूसरा, जब फल आपका पेड़ पे आ चुका है, लग चुका है, एक उसमें एक प्रोसेस होता है टनिंग प्रोसेस। जो फल अपने बगीचे में घूमिए और जो टेढ़े मेढ़े फल है उनको तोड़ करके बगीचे से बाहर फेंक दीजिए। अगर किसी खेत में लीफ कर्ल या रिंग स्पॉट आ गया है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। तो ये बहुत सारे प्रिकॉशंस है जो आपको पपीते के साथ में लेने हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी फर्टिलाइजर आपको यूज करना है पपीते के खेती में वो एक क्वालिटी का यूज करना है और लोकल मंडी का यूज नहीं करना है। लोकल मंडी से मतलब लोकल माल नहीं यूज करना है। पपीते में क्या है कि ये पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट वाली खेती है। अगर आपने कोई भी न्यूट्रिएंट इसको डेफिशिएंसी आपने दे दी तो पत्ता गिराएगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा करेगा जिससे बताएगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं। पपीते को प्रॉब्लम बिल्कुल पसंद नहीं है, ना जड़ से छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद है, क्योंकि रूट्स इसकी खोखली होती है। कभी कभी क्या होता है खरपतवार हो जाता है तो हम खुरपी या किसी अन्य माध्यम से उसकी निराई गुड़ाई करने लगते हैं जिससे जड़ों पे जख्म बन जाते हैं। जख्म बनने के बाद उगलना स्टार्ट हो जाता है, पौधा गिर जाता है। दूसरा एक अहम मुद्दा और है इसमें, बरसात से पहले किसानों की यह बहुत बड़ी समस्या आती है कि बोलते हैं कि भाई हमारा पौधा फ्यूजेरियम लग गया, यानी जड़ में गौन सा निकलना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए करना क्या है, एक बनता है बोर्ड ऑफ पेस्ट, बोर्ड ऑफ पेस्ट की पुताई करनी है। पुताई मतलब फल से नीचे आपको पुताई करनी है। तो इसमें आपको जो मटेरियल लेना है, चूना 1 केजी, 1 केजी चूना लो, और 1 केजी आपको लेना है
नीलत होता जो कि आपको पंसारी के यहां मिल जाएगा आपको 1 kg। सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 लीटर पानी में चूने को भुजाना है, उसको ठंडा करना है। 10 लीटर हमने ये भुजा दिया, भुजाने के बाद इसको छान लाए अलग किसी बर्तन में या किसी प्लास्टिक में, नहीं करो लोहे के पे कर लो। करने के बाद उसमें नीला तोता मिलाना है, फिर आपको फल से नीचे आपको क्या करना है, वहां पे पुताई करनी है बरसात से पहले, और मिट्टी चढ़ाना है। ये आपको बोर्ड पे समझ में आ गया, बरसात से पहले आपको चढ़ाना है। बोर्डो पेस्ट के बाद आती है मिट्टी चढ़ाना, ये बहुत अहम टॉपिक है। मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना मतलब टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग यानी कि होता क्या है कि जब हम 1.5 फीट का बेड बनाते हैं तो वो बैठ जाता है, वो पानी देते देते उसको बैठ जाता है। अब उसको कब चढ़ाना है, जब हमारे तने का कलर चेंज हो जाए, तना का रंग चेंज हो जाए, रंग चेंज हो जाए बदल जाए, यानी कि कलर हरा रहता है वो व्हाइटिश हो जाए, थोड़ा पाउडर टाइप का आ जाए उसके अंदर, और वहीं तक मिट्टी को चढ़ा सकते हो आप। अगर आपने ग्रीन पे चढ़ाया तो पौधा आपका मर जाएगा। तो किसान भाई, मैं जो भी आपको बात बता रहा ये सब आपके साथ बीता है। और ये कहते हैं ना पपीता का पैसा, अगर आपने पपीते में खोया है तो पपीते से ही मिलना है। टॉप ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्डो पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है किसान भाई को ये थोड़ा सा रहता है कि हमारा फल कितना देगा, तो मैं आपको रेडी 7-8 बता दूं, 60 से लेकर के 120 फल एक पेड़ देता है, एक पौधा देता है। अब बात आती है वजन की, वजन कैसे बढ़ेगा इनके अंदर। वजन के लिए जो मैंने आपको फर्टिलाइजर बताया एनपीके 12:0 0052 0050 यानी कि आपको डीएपी भी लेनी है, पोटास भी लेनी है आपको, एसएसपी भी आपने दी, 10:26:26 भी आपने दिया, 12:32:16 भी आपने दिया, कैल्शियम भी दिया आपने, पोरोन भी दिया, एसिड भी दिया आपने इसके अंदर, एसिड एसिड में आ गया आपके ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फोलिक एसिड। ये सारे क्या है, ये रूट्स को बढ़ाते हैं। जो हमारा पहला जो सिस्टम आता है कि भाई पुत्र जड़ बढ़ानी है तो उस समय इनका यूज करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ में ये सारा जितना भी हम मटेरियल डालते हैं वो सारा फल के अंदर जाता है, जिससे फल का वेट बढ़ता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी नर्सरी वाला आपको बोले कि भाई हम 1 क्विंटल दे देंगे, 2 क्विंटल दे देंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं 60 से 120 फल आते हैं। यदि आपने फ्लावर ड्रॉप भी रोक ले तो आपको फायदा होगा, फ्रूट ड्रॉप रोक ले तो आपका फायदा होगा। टर्निंग कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा फल को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए खेत से, तो जो न्यूट्रन हम दे रहे हैं वो सारे फलों में जाना स्टार्ट हो जाएगा। पपीता जब भी पकेगा वो नीचे से पकना स्टार्ट होगा। ये यहां तक क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आता है जब पपीते की फ्लावरिंग हो रही होती है उस समय हम लोग उसको हार्मोन देते हैं। हार्मोन्स में आता है आपका पिलानोफिक्स, ये बायर कंपनी का है, बायर कंपनी का है, और एक आता है आपका कल्टार, कल्टार कल्टार आता है आपका सिजेंटा का, कल्टार आता है सिजेंटा का, एक आता है आपका टबोली। किसी भी इंसेक्ट के साथ नहीं देना है, टबोली आती है सुमोटुमो कंपनी की है, सुमोटुमो कंपनी की। ये जब भी आपको देनी है 0052:34 के साथ देनी है, 0052:34 के साथ देनी है। ये फ्लावरिंग के समय आपको
00-52-34 के साथ में, यानी कि मान के चले हम 1000 पेड़ों के लिए, 1000 प्लांट्स के लिए, तो 00-52-34 3 kg, और टबोरी ले लो सुमोटुमो भी 50 ml, 200 लीटर पानी में मिलाओ और 200 ml पर प्लांट को इसको ड्रिंच कर दो। ये जब भी आपको फ्लावर दिखेगा, बर्ड दिखाई देगा, तब भी आपको मारना है और बोरान का और कैल्शियम हाइड्रेट का ड्रिंचिंग नीचे करना है। आपको हर महीने, कभी कभी होता क्या है कि हमारे उत्तर भारत की एक घटना की मतलब प्रॉब्लम बहुत मेन समस्या है, हमारे अभी जो सॉइल है यानी जैसे दोमट है या सैंडी है या सैंडी दोमट है, तो उसमें होता क्या है कि वो मतलब जमीन टाइट हो जाती है पानी दे 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 दे, उसमें क्या करना है, तो हर मंथ एवरी मंथ एक आपका आता है माइक्रोराइजर, ये आपको 200 ग्राम पर एकड़ आपको डालना है। इसका कहना है कि ये आर्टिफिशियल रूट्स बनाता है और पौधे को भोजन उपलब्ध कराता है, ये बहुत जरूरी है। इसका ड्रिंचिंग हमेशा हर वीक करें, इसका एवरी वीक आपको करना है, आपको प्रोडक्शन का पता चल गया। थोड़ा सा और आपको बता दें, 1 एकड़ खेत में यानी कि 1 एकड़ थोड़ा सा मोटा मोटा 1100 प्लांट आपका लगेगा 8x5, ज्यादा लगा रहे तो 10x5, ये 8x5 1100 प्लांट आपके लगेंगे। फसल वही बीच में लगानी है, जैसे कि आप जिंजर लगा लो, अदरक हल्दी लगा लो, उसके अलावा इसमें गेंदा यूज कर सकते हो, बाकी कोई और फसल ना लगाए। और लगाना तो आप ये गोभी या ये लगा सकते हैं, लेकिन जल्दी निकल जाता है तो फिर में साफ सफाई देना चाहिए, लेकिन न्यूट्रांट खेत को देते रहे। 1 एकड़ में ये लगेगा। उत्तर भारत में क्या होता है, यदि हम सितंबर या अक्टूबर में प्लांटेशन करते हैं तो ये पूरा 10 से 12 माह में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा खेत, 10 से 12 माह में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा, 10 से 12 सितंबर अक्टूबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ही इसकी हार्वेस्टिंग होगी। उत्तर भारत की बात है, महाराष्ट्र में तो 8 से 10 महीने में रेडी हो जाता है, क्योंकि वहां मौसम अच्छा रहता है। यदि फरवरी मार्च में लगाते हैं तो पहला जो इसकी क्रॉप है वो 10 माह में रेडी हो जाएगी, लेकिन वो 50% निकलेगी, 50% बचेगी तो उस पर क्रॉप कवर लगा करके वो मार्च या अप्रैल में निकलेगी। जिस किसान भाई ने लगाया हो वो इस बात को आप आजमा सकते हैं। सेप्टेम्बर अक्टूबर जाके निकलेगी, चाहे तो इसे कच्चा निकाल सकते हो, 10 महीने बाद अच्छे रेट में निकलेगा, 14-15 रुपए का आराम से रेट निकलता है। और फरवरी मार्च वाला पहली क्रॉप जो निकलेगी ये आपका नवंबर में निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जब पपीता चलता ही चलता है, और बाकी ये रमजान और उसके माध्यम से आपका रमजान या नवरात्रि आते हैं तब वो निकाल सकते हो, अच्छा भाव इसमें ले सकते हो। बात आती है मंडी की, मंडी पपीता तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों को प्रॉब्लम आती है मंडी कि बेचे कहां, मंडी बेचे कहां। हर जिले में, हमारे पूरे भारत में, भारत को जिलों में, स्टेट में डिवाइड किया, मंडल में डिवाइड किया, जिले में डिवाइड किया, जिले से तहसील में डिवाइड किया, हर तहसील में आपको फ्रूट मंडी मिलेगी, हर जिले में फ्रूट मंडी मिलेगी, लेकिन आड़ती को चाहिए क्वालिटी, और क्वालिटी बनेगी आपकी फर्टिलाइजर से बनेगी या क्वालिटी सीड प्रोडक्ट से बनेगी, यानी कि आपने पौध अच्छी लगाई है, सब कुछ आपने अच्छी मेहनत करी, तो आपकी मंडी वाला ये नहीं बोलेगा ये महाराष्ट्र कमा ले या कहीं कमा ले। आपको करना क्या है, जब आपके फल पे सब कुछ तो ये फल है, अगर आपका हल्की सी पट्टी पड़ती है इस पे, तुरंत इसे तोड़ करके पेपर में रैप करो, रैप करने के बाद कार्बेट लगाओ, कार्बेट लगाने के बाद आप इसे मंडी में लेके जा सकते हैं। अगर आप तुरंत तोड़ करके लेके जाएंगे तो क्या है कि आपका ये क्रंची रहेगा तो मंडी वाला थोड़ा प्रॉब्लम करेगा लेने के लिए। तो किसान भाइयों, मैंने आपको पपीते के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, हो सकता है कुछ रह गया हो, अगर आपको कोई भी जानकारी हमसे चाहिए
या कोई प्लांट्स वगैरह आपको हमसे चाहिए, तो जो हमारा एड्रेस है वो है खुर्जा जिला बुलंदशहर, स्वास्थ्य एग्रोबायोटेक एंड प्लांटेशन खुर्जा बुलंदशहर। ये जो नर्सरी पड़ती है खुर्जा से 4 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद रोड पे पड़ती है, ये उत्तर प्रदेश में है। हमारे यहाँ जो डिलीवरी प्रोसेस है, यानी कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और अभी हम महाराष्ट्र नंदुरबार में अपना नर्सरी स्टार्ट करेंगे और हम लोग सर्विस दे रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या कोई कॉल बुकिंग आपको करना है तो आप हमारे 8868999198 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित दाम में आपको पहुंच दी जाएगी। हम लोग अभी बाई बैक भी करते हैं, यानी जो भी आपका फल तैयार होगा, जो आप मंडी भाव होगा अब मंडी भाव से आपसे खरीदेंगे, वहीं आपका वेट करेंगे और वेट करने के बाद वहीं आपको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे ये चैनल स्वास्थ्य फार्मिंग, ये ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी हमारे भारत के पूरे कोने में जाए। जय हिंद।